Hey guys, part 19 mock test series continue है. So guys, without wasting any time, मैं first question start करती हूँ क्योंकि मैंने already important content, important tips आपको बता दी हैं और साथ ही साथ मैं इस 10 questions में जब ये कोई important question आएगा, like important चीज होगी, important content, important tip होगी, तो मैं उसे provide कर दूँगी. So first question guys, tort से related question है guys, vicarious liability से है. और अगर आप इसका अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर इस क्वेश्चन में ही आपको इस टर्म के मीनिंग क्लियर हो जाएगी. तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन को कवर किया है क्योंकि ये डेफिनेशन भी नहीं पूछता है लेकिन मे भी चांसेस है केस लॉ के थ्रू या सिचुएशन के थ्रू पूछ सकते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैकेरियस लायबिलिटी का मीनिंग क्या होती है, क्या होती है वो एक्चुअल में. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा. So guys, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, आफ्टर 5 सेकंड में आंसर प्रोवाइड करूंगी. ओके, सॉरी गाइस, वो स्क्रॉल करते करते वो 5 सेकंड्स की जगह वो 2 सेकंड में ही वो स्क्रॉल हो जाता है. सॉरी फॉर दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टॉर्ट से रिलेटेड ही है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया. गाइज मैंने आप देख रहे हो टॉर्ट से रिलेटेड मैंने इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि मैंने टॉर्ट से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था और इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं बताया था. ऑल्दो टॉर्ट्स भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है यूजीसी नेट का क्योंकि वो भी कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं. तो इस वजह से मैंने इस मॉक टेस्ट की सीरीज में उसे ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया है सो दैट उससे कुछ भी मिस ना हो क्योंकि उनके कुछ सेट क्वेश्चन है उससे ज्यादा वो बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. तो गाइज इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टॉर्ट से रिलेटेड है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की गई है और इसमें ये बोला है कि इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी की जो प्रोपाउंड किया था वो किसने किया था. और गाइस इसका जो भी आंसर है मैं उससे पहले इसका बैकग्राउंड बता दूं तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो फर्स्ट प्रोपाउंड की गई थी वो आपको भोपाल गैस लीक जो यूनियन कार्बाइड केस से रिलेटेड है उसके बाद ही ये प्रोपाउंड की गई थी. और उस केस को जब डिलीवर किया गया था उसका जजमेंट तो उसमें ये स्टेटमेंट हुआ था उसमें ये फ्रेज की रूल को एस्टैब्लिश किया गया था. सो यहाँ पे गाइज आपका मैंने बेसिक क्लियर कर दिया सो दैट अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछा जाए कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी कब आई थी लाइक किस केस के बाद ज्यादा उसे फॉर्म दिया गया ज्यादा उसे लाइक इंपॉर्टेंस दी गई तो ये चीज मैंने आपको बताई. तो गाइज का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अगेन टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज. तो गाइज इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर रही हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज टॉर्ट से ही रिलेटेड है गाइज. सो अगर आप देखो तो आपको अब टॉर्ट में आपको कुछ भी आई डोंट थिंक कि मिस हो रहा है. तो टॉर्ट का सब कुछ मैंने कवर कर लिया है. टॉर्ट का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है इंपॉर्टेंट केस लॉ है इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको मैंने कवर कर लिया है. सो गाइज इसका आंसर मैं प्रोवाइड करती हूं. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अगेन टॉर्ट से ही रिलेटेड है गाइज. इस टाइप के क्वेश्चन में गाइज आप कोशिश करना रूल आउट करने की. रूल आउट करके आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको कोर्स के थ्रू सिलेक्ट करना होता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सो गाइज इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी. आप क्वेश्चन को पढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज अगेन और गाइज इस मैगजीन को आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसका मीनिंग इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में जून के एग्जाम में तो फर्स्ट उन्होंने आंसर आई थिंक गलत प्रोवाइड किया था फिर उन्होंने अपडेट किया था क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे वो बहुत मैच कर रहे थे. तो इसका ऑप्शन एकदम क्लियर रखना इसकी मीनिंग एकदम क्लियर रखना क्योंकि छोटे छोटे वर्ड से वो आंसर अगर आप मेरे जो नेट की मैंने जून के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए थे वीडियोस में सो आप उस वीडियो को अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन को मैंने उसमें कवर किया है. इसका आंसर गाइस
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. ओके अगेन आप इस सब इस टाइप के क्वेश्चंस को गाइज आप रूल आउट करके आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से. ओके गाइज इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी आफ्टर 5 सेकेंड्स. अगेन गाइज आप रूल आउट करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ और ये आईपीसी का मैंने कवर किया है. सो आप इसे देखो आफ्टर 5 सेकेंड्स मैं आंसर प्रोवाइड करूंगी. सो गाइज अगर आप ये देख रहे होगे तो मैं जितने आप क्वेश्चन कवर कर रही हूँ उसमें जो सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं वो भी मैं बताते चल रही हूँ कि ये 20% में कवर होगा. तो आप उसे मिस मत करना क्योंकि 20% भी बहुत मैटर करता है. ओके गाइज सो लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग फेमस क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. गाइज इस assertion reasoning को अभी मैंने वीडियो में अभी मैंने बताया कि एक assertion reasoning में उसमें मैंने टिक करवाया था कि इसको important की checklist में रखना. इस assertion reasoning का भी आप important checklist में रखना. इसे बिल्कुल भी आप मिस मत करना. ये आपको major entrance में भी इस assertion reasoning को पूछा गया है तो इसका आप एकदम आंसर क्लियर रखना कि क्या है आंसर सो दैट आपको वहां पे जाके डाउट ना हो. सो इसका आंसर मैं प्रोवाइड करती हूँ. ओके गाइज सो ये थे 10 questions. मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ सजेशंस कमेंट्स क्वेरीज आप एडवाइस आप प्रोवाइड करो. मैं बस 21st part अपलोड होते ही मैं सारे कमेंट्स आपको एड्रेस करती हूँ. सारे सजेशंस सारे एडवाइस क्वेरीज जितनी भी हैं मैं उसको एड्रेस करती हूँ. ओके गाइज वेट फॉर मी नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.